लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज मैं बनाने लगी शिमला आलू और गोश्त। तो आधा किलो मैंने शिमला ली है, आधा किलो आलू और आधा किलो गोश्त। ये मसाले इसमें जो ऐड होंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, दो अदद मैंने प्याज लिए हैं, तीन अदद मैंने टमाटर लिए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालती हूँ प्याज। प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो व्यूअर्स, शिमला आलू और गोश्त बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की और करारी रेसिपी बनती है इसकी। तो प्याज को मैं अभी करूँगी ब्राउन, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ना आए। तो इसको अच्छी तरह भून के फिर इसमें टमाटर शामिल करूँगी मैं। ये देखें व्यूअर्स, लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये रेड मिर्चें, नमक और हल्दी। ये मैं आपको बता दूँ, इसमें मसाला कोई नहीं ऐड होता। ये बिल्कुल सिंपल और आसान बनाने का तरीका है। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह जो है ना भुन जाए। अभी पहले मसाले को 5 मिनट भुनेंगे, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छी तरह हो गया है रेडी। तो अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। चिकन को 5 मिनट भुनेंगे, इसके बाद फिर मैं आलू शामिल करूँगी। तो 5 मिनट पहले मैं इसको भून लूँ अच्छी तरह। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू मैंने अच्छी तरह धो के काट लिए थे। अभी आलूओं को अच्छी तरह भुनेंगे ताकि सारा टेस्ट जो है आलूओं में शामिल हो जाए। फिर इसके बाद शिमला शामिल करेंगे इसमें। तो अभी इसमें शामिल करेंगे दही। इससे हमारा मसाला बड़ा ही अच्छा और बड़ा मज़े का बनता है, सिंपल और सादा। इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी शिमला। कोई मसाला नहीं इसमें ऐड होगा, कोई भी। ये ऐसे ही बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, अभी इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। तो 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे हल्की आंच पे। थोड़ा सा मैं पानी इसमें शामिल करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो अभी 10 मिनट इसको पकने देंगे, फिर आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल इसका। अभी ये 10 मिनट तक तैयार हो जाएंगी, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें शिमला हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं।
वाह क्या बात है, आलू भी हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं और शिमला भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको मैं थोड़ी देर 2 से 3 मिनट भूनूंगी और फिर इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स हमारा शिमला आलू गोश्त रेडी है, तो फ्लेम में कर दूंगी बंद, तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स हमारा शिमला आलू गोश्त रेडी है, तो ये बिल्कुल सिंपल और सादा, बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसको अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है ये डिश। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।